ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 1 सैकड़ा से अधिक नाबालिग किशोरियां हुई बरामद। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा 6 जनवरी 2021 से चलाए जा रहे मुस्कान अभियान में रीवा जिले में तमाम कानून व्यवस्था की परिस्थितियों के बीच मुस्कान अभियान कार्यवाही जारी है। उक्त अभियान में अब तक 113 नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तियाबी की जा चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बच्चियां हैं। उक्त दस्तियाबी में कई ऐसी बालक बालिकाएं दस्तियाब हुई हैं जो वर्ष 2014 से पुलिस को नहीं मिल पा रही थी, परंतु इन सभी बालक बालिकाओं को न सिर्फ दस्तयाब किया गया अपितु माननीय न्यायालय में कथन कराए गए। कथनों के आधार पर कार्यवाही भी की गई और अधिकांश मामलों में परिजनों को बालक बालिकाओं को सुपुर्द किया गया। कार्यवाही के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक दस्तयाबी SDOP मऊगंज अनुविभाग में कुल 31 बालक बालिकाएं की दस्तयाबी सुनिश्चित कराई गई। वहीं मनगवा अनुविभाग में 29, त्योथर में 5, सिरमौर में 12, मुख्य में 10 एवं डभौरा अनुविभाग में 9 बालक बालिकाएं दस्तयाबी हुई हैं। रीवा नगर के सभी थानों में 18 बालक बालिकाएं दस्तयाब हुई हैं। उल्लेखनीय है कि रीवा जिले में 363 के तहत बालक बालिकाओं के घर से जाने के मामले अधिकांश दस्तयाब हुए हैं, परंतु पुलिस द्वारा लगातार दस्तयाबी के प्रयास किए जाते हैं। यह पहली बार हुआ है कि जनवरी माह में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद रीवा जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत व लगन से इतनी दस्तयाबी की है। उक्त बालक बालिकाओं की दस्तयाबी मुंबई, चंडीगढ़, अजमेर, दिल्ली, पानीपत, हैदराबाद, नासिक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कई जिलों से की गई है और यह अभियान भले ही 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है, परंतु यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और बालक बालिकाओं की निरंतर दस्तयाबी सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। और उस मोटरसाइकिल में बैठे हुए व्यक्ति से जो बाकी 3 लोग हैं, वैभव, चंचल और कुश, इन्होंने एक लूट को अंजाम दिया जिसमें उसका मोटरसाइकिल ले ली गई थी, उससे चाबी लेके, और 3 उसके पास मोबाइल थे और 800-900 रुपये कुछ उससे छीन लिए गए थे। उसी को उन्हीं वे उस अपराध में जो संलिप्त व्यक्ति थे उनको ही आज पुलिस पकड़ कर जेल भेज रही है। इनका और भी कोई आपराधिक इतिहास रहा क्या? उसकी अभी हम देख रहे हैं आपराधिक इतिहास, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास सामने निकल के नहीं आया। कितने बाइक बरामद हुए हैं? एक ही बाइक गई थी, बरामद हो चुकी है सुपर स्प्लेंडर। और कुछ सब बरामद बरामदी हुई? अभी मोबाइल की बरामद की नहीं हो पाई है, पता चल रहा है कि जो बाकी इनके 2 साथी हैं जो वांछित हैं उनके पास मोबाइल है। इनके साथ और लोग और भी टीम है कि ये इतने लोग हैं? ये 4 तो यहाँ पे हैं, 2 लोग और जो वांछित हैं वो इनके साथ हैं। शिव साहब, बताया गया कि प्रभांशु को पकड़ा गया था और बाद में उसको यहाँ से निगरानी पे छोड़ दिया गया था। जी नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया गया हम लोगों को, हम लोग सर ऑपरेशन मुस्कान के तहत 100 बच्चों को दस्तयाब किया गया है सर। हाँ, निश्चित रूप से शासन के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था पूरे प्रदेश में, जिसमें नाबालिग बच्चे बच्चियों की दस्तयाबी के संबंध में अभियान था। इसमें रीवा ज़िले से बहुत 2013 से लेके अभी तक करीब 2000 के आसपास बालक बालिकाएं जो थी वो गए हुए थे, जिसमें से करीब 1800 समथिंग के आसपास बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है। उसमें अभी जो 6 जनवरी से शासन का ऑपरेशन मुस्कान चल रहा था बच्चों को दस्तयाबी के संबंध में, उसमें रीवा पुलिस के द्वारा करीब 100 से अधिक बच्चियों को दस्तयाब किया गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाइयाँ बड़ी लगन मेहनत के साथ की गई हैं, जिसमें 2014 तक की बच्चियों को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें मऊवन अनुभाग से, मनगवा अनुभाग से, हमारे DSP हेडक्वार्टर अनुभाग से, CSP अनुभाग से, SDOP डभौरा और सिरमौर सभी अनुभागों में बड़ी संख्या में बच्चियों को प्रदेश के बाहर के प्रदेशों से दस्तयाब किया गया, जिसमें मुंबई, चंडीगढ़, पानीपत, नासिक, हैदराबाद, अजमेर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी बच्चियों को दस्तयाब किया गया है। इसमें बच्चियों को केवल दस्तयाब ही नहीं किया गया है, उन बच्चियों को यहाँ लाकर उनका न्यायालय में कथन कराया गया है और अधिकांश बच्चियों को उनके माता पिता परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
और साथ में जो वैधानिक कार्रवाई करती है पुलिस उन आरोपियों के विरुद्ध, उसमें आरोपी जो पकड़े गए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही जो और शेष बच्चियां रह गई हैं अभी उसकी दस्तावेजी के प्रयास अभी तक जारी हैं। ये जो कार्रवाई हुई है मात्र 6 जनवरी से लेके और अभी तक 20 दिनों की कार्रवाई थी, आगे भी अभी जो समय बचा हुआ है ये पूरा अभियान 6 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चल रहा है। इसमें पुलिस रीवा अभी और भी अधिक कार्रवाई करेगी। इसमें हमारे आईजी सर, डीआईजी सर और ख़ासतौर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं विवेचकों को कि वो टीम बनाकर रवाना हो और बच्चों की दस्तावेजी के प्रयास करें। आज ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से एक टीम रवाना होने की स्थिति में है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था ट्रेन से तो उनके लिए रास्ते निकाले गए, गाड़ी तो उनको मिल ही रही है लेकिन लंबा सफ़र होने के कारण से उनको संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं कि वो जाकर बच्ची को दस्तयाब करके लाएं।